इस एक्सरसाइज में देखिए आपको फ्लो चार्ट याद होगा, ये फ्लो चार्ट हमने डिस्कस किया था अपनी एक्टिविटी में, जिसमें हम एक क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे, विच वॉज कैन आई अडॉप्ट अ कैट, राइट। तो देर वर टू कंडीशन, अगर मेरे पास उतना पैसा है और माई एज इज समथिंग, राइट, तो अगर $40 मेरे पास है एंड माई एज इज 14 ईयर ओल्ड, तो मैं क्या बोल सकता था कि आई विल बी एबल टू अडॉप्ट अ कैट। तो हमने ये फ्लो चार्ट बना करके देखा था, जिस फ्लो चार्ट में मनी इक्वल्स टू 40 एंड एज इज ग्रेटर देन 14, then if this condition is true, तो हम बोल रहे थे कि I can adopt the cat. If this condition was false, I was saying I cannot adopt the cat, right? I hope समझ में आ गया था, ये flow chart तो हमें clear था। अभी इसी flow chart के बेस में हमें app बनाना है। तो इस app में क्या है, हम age और money दो चीज हम user से लेते हैं, ठीक है, उसकी उससे पूछते हैं उसकी age क्या है, उसका उसके पास कितने पैसे हैं, और अगर ये condition true होती है, ये वाली condition, ये condition हम लगाएंगे और इस condition को check करेंगे, इसके बेसिस पर हम उसे बताएंगे, एक यहां पर इमेज शो करेंगे, यस और नो, राइट। इस तरीके से इस ऐप, ये ऐप काम करने वाली है। अब पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है, एड कोड टू द गेट नंबर्स फ्रॉम द यूजर इनपुट एंड एज एंड मनी, ठीक है। तो इट सेज कि मुझे यूजर से जो इनपुट लेने हैं, ये एज और मनी, यूजर से इनपुट लेने हैं, राइट। उसके बाद मुझे क्या करना है, गेट नंबर फंक्शन यूज करना है। एक गेट टेक्स फंक्शन हमने यूज किया था, अगर आपको याद है, तो जो भी इनपुट टेक्स से कोई भी वैल्यू हम फेच करते थे, किसी वेरिएबल में स्टोर करते थे, तो गेट टेक्स मेथड लेते थे। यहां पर क्योंकि एज भी एक नंबर है, मनी भी एक नंबर है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, गेट नंबर मेथड। देखिए यहां पर हमारे पास एक मेथड है गेट नंबर, इस मेथड की हेल्प से, इस यूआई कंट्रोल की हेल्प से हम इसका, इसमें जो भी वैल्यू यूजर डालेगा उसको फेच कर पाएंगे, ठीक है। देन इट सेज बूलियन एक्सप्रेशंस यूज करने हैं हमें, और बूलियन एक्सप्रेशंस की हेल्प से वो कंडीशन हमें चेक करनी है। तो ये हमारे पास एक टेम्पलेट कोड है, इसको हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिए इस कोड को देखते हैं एक बार। सबसे पहले एज एक वेरिएबल लिया इसने, मनी एक वेरिएबल लिया, दोनों की वैल्यू जीरो है। जब यूजर इसमें इनपुट डालेगा तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू फेच करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे। तो यहां पर हमें वेरिएबल्स की जो एज और मनी की वैल्यू है, ये एक्चुअल में कंप्यूट करनी है। तो ये कैसे करेंगे हम, देखिए यहां पर हम लिखेंगे एज की वैल्यू कैसे निकलेगी, एज इक्वल्स टू, ठीक है, तो गेट नंबर आने वाला, ये गेट नंबर, ठीक है, इस वाले ब्लॉक को हम यूज करते हैं गेट नंबर को। और आईडी इसकी हमें देनी है, किसकी आईडी, देखिए इसकी आईडी क्या है, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स की आईडी है एज नंबर, तो हम यहां पर दे देंगे एज नंबर, ठीक है। सिमिलरली मनी की जो वैल्यू है, ये जो है, ठीक, मनी की वैल्यू भी हमें अपडेट करनी है, तो हमने लिखा फिर से गेट नंबर, सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा, राइट। और यहां पर जो आईडी पास करनी है मनी के लिए, मनी हमें किस ब्लॉक से मिला, इसमें से, तो इसकी आईडी है मनी नंबर, अगर आप देखोगे यहां पर, ठीक है, तो हम यहां क्या पास करेंगे, मनी नंबर, ठीक, हमने ये पास किया मनी नंबर। तो अब क्या होगा हमारे पास, देखिए मैं आपको यहां पर अभी इतना कोड रन करके दिखाता हूं, अच्छा अभी ये रन नहीं होएगा बिकॉज इट हैज एरर, ठीक है, देखेंगे हम। तो एज की वैल्यू हमने ले ली जो हमारे इस वेरिएबल में आ जाएगी एज में, और मनी की वैल्यू हमने ली जो मनी वेरिएबल में आ जाएगी यहां पर, ठीक है। यहां पर जो भी यूजर वैल्यू डालेगा वो हमारे इन वेरिएबल्स में आ जाएगी, एज में और मनी में। अब हमें क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है, एज कितनी होनी चाहिए, एज शुड बी ग्रेटर देन 14 एंड मनी शुड बी 40। तो कंडीशन देखिए यहां पर हमें गिवन थी मनी इक्वल्स टू 40 एंड एज इज ग्रेटर देन 14। यही कंडीशन हमें यहां पर अपने इफ एल्स ब्लॉक में लिखनी पड़ेगी। देखिए इफ मनी इक्वल्स टू तो 40, और क्योंकि दो कंडीशन है तो एंड लगाते हैं हम, तो एंड ऑपरेटर हमने यूज किया यहां पर, ठीक, एंड एज इज ग्रेटर देन 14, ठीक है। तो मनी इक्वल्स टू 40 है और एज ग्रेटर देन 14 जो कंडीशन थी वो कंडीशन हमने यहां पर इफ में लिख दी। तो हम क्या करेंगे, यस कैट वाली एक इमेज शो करेंगे, और अगर नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो हम कौन सी इमेज शो करेंगे, नो कैट वाली। अब रन करके देखते हैं एक बार इस प्रोग्राम को फटाफट से। तो देखिए मैं रन किया,
एज इसने बोला, एज मैं डालता हूँ, मैं पहले पॉजिटिव केस डालता हूँ जिसमें एज ग्रेटर देन 14 है। तो सपोज मैंने एज डाला 15, मनी डाला मैंने 40, ठीक है। इस पे देखिए चेक करते हैं, इसको स्लो कर देता हूं मैं जिससे आपको पता लगेगा, और यहां पर वेरिएबल्स की वैल्यू भी चेक करते हैं हम लोग। एज और मनी, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैंने 15-40 डाला है, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं तो देखिए एज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, मनी की वैल्यू हो गई 40, राइट। और ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई एंड इज सेइंग यस यू कैन अडॉप्ट द कैट, ये वाली इमेज हमें यहां पर शो हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अगर देखिए मैं कोई एक नेगेटिव टेस्ट केस लेके देखूं, एज में सपोज कर देता हूं 13, राइट। अब दोबारा से एक बार क्लिक करता हूं, देखिए यहां पर ये कंडीशन क्या होने वाली है, ये कंडीशन फॉल्स होने वाली है। तो देखिए हमारे पास जो इमेज शो हुआ वो कौन सा हुआ, नो कैट वाला, ठीक है। तो यू कैन नॉट अडॉप्ट द कैट, ये सही चल रहा है फ्लो चार्ट के हिसाब से। तो हमने क्या किया, फ्लो चार्ट के हिसाब से जो फ्लो चार्ट था उसके हिसाब से हमने अपनी ऐप को बना लिया है। आई होप यू गॉट दिस। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर।